हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज मैं हूं अभी झांसी में और पहुंच गया हूं गंगाधर राव की छतरी अर्थात समाधि स्थल, और साइड में ही उसी के बगल में ही बना हुआ है लक्ष्मी मंदिर। तो ये दोनों को एक साथ मैं यहां पे एक्सप्लोर करूंगा और जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो मंदिर है उसका जो टिकट विकट का क्या कैसा है और क्या कैसा प्रोसेस है अंदर का, मतलब जो छतरी बना हुआ है गंगाधर राव की समाधि स्थल जो कि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1853 में बनवाया गया था, उसके बारे में भी, और मंदिर जो पीछे दिख रहा है, पीछे अभी आपको दिखाता हूँ जो मंदिर पीछे बना हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बस अभी एकदम फ्रंट वाले पॉइंट पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे गंगाधर राव जी की समाधि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा बनवाई गई थी, उसी वाले पॉइंट पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सामने से ही दिख रहा है और साथ में कुछ हिस्ट्री वाली चीज़ें भी यहाँ पे लिखी गई हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, संरक्षित स्मारक का यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। जैसा कि ये हिस्ट्री वाली जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके द्वारा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए हैं, मतलब पॉलीथीन और इन सब चीज़ों के। यहाँ से मेन जो पॉइंट है, राजा गंगाधर राव 1853 में ये बनवाया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। तो यहाँ से सीधे चलूँगा अंदर, अभी बस यहाँ से करता हूँ अंदर एंट्री और यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में सब बताता हूँ। ये जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने, यही मेन समाधि स्थल है जो कि ऐसा कुछ करके यहाँ पे बनाया गया था। ये 18वीं शताब्दी की ही में बनाया गया था 1853 पे, जब उनकी डेथ हुई थी गंगाधर राव की, तब रानी लक्ष्मीबाई ने बनवाया था। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी लिखी गई है। इस चतुर्भुज समाधि का निर्माण रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 1853 ईस्वी में अपने पति राजा गंगाधर राव के निधन के बाद उनकी स्मृति में करवाया गया था। अभी बस चलता हूँ यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर की ओर, ऊपर भी जाके देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें बाहर से, मतलब ऊपर से दिखती हैं। यहाँ पे चारों साइड जो गुंबद हैं वो बने हुए हैं और यहाँ पे बाहर एक पार्क टाइप की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे भी दो गुंबदी, मतलब गुंबदी आकृति है जो कि मंदिर के टाइप में रिप्रेजेंट करते हुए मुझे लग रही है। और यहाँ से सीधे चलता हूँ आगे की ओर, मतलब चारों साइड इसके अलग अलग चीज़ें दिखेंगी जो कि सीढ़ियाँ ऊपर बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए। यहाँ पे टिकट का और इन सब चीज़ों का कोई मुझे दिखा नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है और ना ही कुछ, डायरेक्ट सीधे आप एंट्री करके अंदर आ सकते हो। और यहाँ से चलता जा रहा हूँ सीधे आगे की ओर, ये वाला जो पॉइंट है मेन स्ट्रक्चर जो है ये है समाधि स्थल यहाँ का। और ये पीछे पार्क वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। और ये लास्ट वाला गुंबद, इधर की ओर चल रहा हूँ। और यहाँ पे है एक तालाब वाली आकृति जो कि ऐसा कुछ दिख रही है। अभी बस गंगाधर राव की छतरी वाले पॉइंट से निकल के आ गया हूँ बाहर। यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और ना ही ऐसा कोई पॉइंट बना हुआ है। तो बस अभी यहाँ से चलूँगा सीधे मंदिर की ओर, मंदिर का क्या कैसा रहता है अंदर का। ये बस अभी आ गया हूँ, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है मंदिर का है शायद, तो उसी के कैंपस पे, और इधर साइड पे ही पार्क बना हुआ है उसी मंदिर के कैंपस के अंदर ही। तो बस यहाँ से चलता हूँ अंदर साइड, क्या कैसा प्रोसेस रहता है अंदर जाने का, क्योंकि ये बहुत ही पुराना 18वीं शताब्दी का मंदिर है। ये है मंदिर का मेन फ्रंट गेट जो है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से करूँगा सीधे अंदर की ओर एंट्री। यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल पॉइंट है वो लिखा हुआ है, और संरक्षित स्मारक स्थल। यदि कोई व्यक्ति स्मारक को हानि पहुंचाएगा तो किसी भी प्रकार का कुरूप करेगा तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम संख्या इतने इतने के तहत उसको कार्यवाही, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो अभी बस यहाँ से चलूँगा अंदर, और अंदर भी कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट लिखे गए हैं लक्ष्मी मंदिर के बारे में। देवी महालक्ष्मी
को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। कालांतर में इस मंदिर यह मंदिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जुड़ गया और इसे रानी लक्ष्मीबाई का मंदिर कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई प्राय पूजा करने के लिए आया करती थी। यह मंदिर द्विभौमिक है और इसकी प्रत्येक मंदिर में 6 कक्ष तथा 4 बड़ा मदों का निर्माण किया गया है। स्थल कक्ष योजना की दृष्टि से इसमें एक गर्भगृह और मंडप तथा उसके सामने विशाल मुख मंडप निर्मित किया गया है। गर्भगृह में सफ़ेद संगमरमर की एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित है। भूतल में गर्भगृह में नंदी तथा शिवलिंग विष्णु गणेश भैरव तथा आदि के उत्तर मध्यकालीन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि गंदगी ना फैलाएं। और यहाँ से सीधे चलता हूँ अंदर। ये जो लक्ष्मी माता जी की प्रतिमा है वहाँ मंदिर का मेन पॉइंट से वहाँ दर्शन करके आ गया हूँ इस साइड। और इधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे, मतलब बहुत ही सुकून वाला प्लेस यहाँ पे लग रहा है मुझे। और क्या चीज़ें हैं भैया? क्योंकि भैया घुमा रहे हैं मुझे इस साइड में, बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और हैं। लगभग 18वीं शताब्दी का ये मंदिर है, जहाँ मेन इसका अट्रैक्शन है जो संगमरमर की मूर्ति है लक्ष्मी जी की। यहाँ लगभग रानी लक्ष्मीबाई हमेशा पूजा करने आती थी, ऐसा ही है ना भैया? और अभी बस भैया लेके जा रहे हैं इधर कुछ अलग ही चीज़ें दिखाने, तो चलता हूँ उन्हीं के साथ में। अच्छा, छत तो भाई भैया के साथ ही चल रहा हूँ सीधे सीढ़ियों से ऊपर। बस यहाँ पे ये मेन गुंबद है मंदिर का, ये जो पुराना वाला जो गुंबद है, जो जहाँ पे मेन मंदिर है लक्ष्मी जी का प्रतिमा जो बनी हुई है। और ये छोटे छोटे गुंबद अलग से बने हुए हैं। और साथ में ही बाहर से जब आप एंट्री करोगे तो आपको ये वाला मंदिर देखने को मिलेगा, ये नवग्रह का मंदिर है। तो बस चलता हूँ यहाँ से सीधे आगे। और यहाँ पे ही बगल में जो लक्ष्मी तालाब है इसका निर्माण भी चल रहा है नगर निगम के द्वारा, इसको मतलब सुंदरीकरण किया जा रहा है। पूरा काम जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भैया ने पूरा चाबी अभी लेके यहाँ पे लेके आए हैं ऊपर। बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि वेदर भी आज एकदम प्लेजेंट था, एकदम बादल बादल ही थे, ज़्यादा धूप भी नहीं थी आज, तो ऐसा कुछ है। अभी कुछ देर यहाँ पे आसपास टहलूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से चलूँगा नीचे। अभी बस आ गया हूँ बाहर मंदिर में दर्शन करने के बाद। मंदिर के ऊपर का भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने अंदर पूरा मुझे ऊपर छत में लेके गए थे और सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करके बताया कि ये चीज़ें हैं। कई सारे ऐसे पेड़ भी थे जिनका फूल भी दुर्गा माता को चढ़ता है। अभी बस यहाँ से चलूँगा नीचे साइड और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करके आगे बताता हूँ। अभी बस निकल आया हूँ मंदिर से, हो गया है एकदम शाम का टाइम। आज वैसे भी लगभग पूरे टाइम बादल ही थे, तो ऐसा कुछ धूप का ज़्यादा कुछ समझ में आया भी नहीं था, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा क्योंकि लगभग कई जगह घूमने का था अपने को, तो धूप ज़्यादा नहीं थी, तो वेदर प्लेजेंट होने से थोड़ा अच्छा ही रहता है। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ सीधे बाहर। लगभग जो पुराना वाला मंदिर था वो मंदिर, और ये साइड में जो नवग्रह मंदिर दिख रहा होगा, और इधर जो आपको दिख रहा है ये गंगाधर राव की समाधि स्थल। ये लगभग सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं, मंदिर में दर्शन भी कर लिया है। तो अब इस वाले ब्लॉग का करता हूँ एंडिंग। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में आप और कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा, और लगभग मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आपको दो वीडियोस दिख रही होगी, एक ये वीडियोस, एक ये प्लेलिस्ट जो कि अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेसों की है, तो आप इनको भी बिल्कुल चेकआउट करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको और किसी नए ब्लॉग के साथ, नए टूरिस्ट प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।